जय बजरंगबली। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जहां वे जीवित स्वरूप में विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का एक ऐसा इकलौता मंदिर जहां हनुमान जी जीवित स्वरूप में देते हैं दर्शन। दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि शुरुआत ही अच्छी हो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसा हनुमान मंदिर है जहां सैकड़ों साल से हनुमान जी के जिंदा स्वरूप विराजमान है। दोस्तों, यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, परंतु जब हम वहां पहुंचे तो ये एकदम सच हो गया। जी हाँ दोस्तों, हमने भी किए हनुमान जी के इस जिंदे स्वरूप के दर्शन, जिनका दर्शन आज हम आपको कराने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके जेहन में भी हमारी तरह हजारों सवाल जरूर उमड़ रहे होंगे कि ये कैसे संभव है कि त्रेता युग में हजारों करोड़ों अरबों साल बाद इस धरती पर साक्षात राम भक्त हनुमान जी प्रकट हो चुके हैं। लेकिन जब आंखों के सामने और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ यह अद्भुत दर्शन और चमत्कार, तो एक पल को तो आंखों पर भी यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, इस मंदिर में बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति लगातार सांस ले रही है। भक्तों के चढ़ाए लड्डुओं के भोग को भी हनुमान जी बड़े ही चाव से खा रहे हैं। जैसे ही कोई भक्त हनुमान जी के मुंह में बतासे के प्रसाद को डालता है, अगले ही पल हनुमान जी वह प्रसाद खा लेते हैं। हर प्रकार का तर्क, हर प्रकार की विज्ञान की परिभाषा इस हनुमान जी के चमत्कार के आगे धरी की धरी रह गई कि आखिर कैसे एक मूर्ति सांस भी लेती है और प्रसाद भी खा जाती है। वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति पर हर प्रकार के परीक्षण कर लिए हैं कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। कुछ तो कारण होगा जो यह चमत्कार यहाँ हर रोज घटित हो रहा है, परंतु वैज्ञानिकों के हर प्रयास भी धरे के धरे हैं और हनुमान जी की यह मूर्ति अभी तक केवल एक रहस्य ही बनी हुई है। और भक्त अपने प्रभु हनुमान जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से और इटावा के बीहड़ जंगलों और दुर्गम रास्तों से भी इस मंदिर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहां उनके प्रभु हनुमान साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। एक और चमत्कार भी इस हनुमान जी के मंदिर में घटित होता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है अगर हनुमान जी के चरण को छूकर उनके मुंह से निकले प्रसाद को आप अपने पास रख ले तो भक्त की हर परेशानी दूर हो जाती है। यही कारण है कि इतने दुर्गम जगह में यह मंदिर होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी हस्ती इस हनुमान मंदिर में आकर प्रभु के इस दिव्य रूप के दर्शन कर चुके हैं। इटावा के इन चमत्कारी हनुमान बाबा के बारे में तो बस इतना कहा जा सकता है कि जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ भगवान चमत्कार दिखाने जरूर आते हैं। ऐसा ही कुछ घट रहा है इस चमत्कारी हनुमान मंदिर में भी। तो दोस्तों, आप भी जरूर यहाँ एक बार आए और अपनी आंखों से हनुमान जी के साक्षात स्वरूप को देखकर अपने जीवन को धन्य कर ले।